हेलो एंड वेलकम ऑल, कैसे हैं आप लोग गाइस। क्लैन वॉर लीग चल रही है हमारी, वॉर फाइव, डे फाइव है अभी हमारा। और पहली वॉर हम हार गए थे, उसके बाद हमने कम बैक किया, तीन वॉर्स जीत गए। लेकिन जो अब की वॉर जो है उसमें हमारी सिचुएशन थोड़ी ख़राब है, तो ये वॉर तो खैर हम हार रहे हैं। देख लेते हैं कि लाइव अटैक चल रहा है, ये क्या करता है, थ्री स्टार कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो एक्चुअली में थ्री स्टार कर जाएगा क्योंकि हमारी जो है टाउन हॉल 11। ओ ये क्या, ओनली 59% फेल अटैक है फिर तो ये, क्योंकि हमारा टाउन हॉल 11 था और अपोनेंट्स के टाउन हॉल 12 थे, लेकिन ये टाउन हॉल 11 को क्लियर नहीं कर सका। तो आज के जो हैं अटैक्स के रिप्लेस देखते हैं कुछ। सबसे पहले नंबर थ्री का अटैक देख लेते हैं, बहुत ही कॉमन बेस है, रिंग बेस इसको कहते हैं, जिसमें टाउन हॉल सेंटर में मौजूद होता है। एक्चुअली हैवी डिफेंस सारे एक ही जगह मौजूद है, तो स्ट्रेटजी देख लें। और ये बहुत ही कॉमन स्ट्रेटजी है, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं और इजीली आप थ्री स्टार कर जाओगे। करना क्या है आपने, हाइब्रिड अटैक है, लेकिन साथ में देखना है कि आप फनल किस तरह बनाओगे ताकि सारे ट्रूप्स जो हैं वो कोर में जाएँ। सीसी में अगर आपके पास तीन या उससे ज़्यादा हेड हंटर हों तो फिर आपको क्वीन के फ्रीज यूज़ करना पड़ेगा, वरना वो तीनों हेड हंटर जो आपकी क्वीन को मार देंगे। लास्ट वॉर के कुछ अटैक्स हैं, हम वो देखते हैं, बहुत अच्छे अटैक्स रहे थे वो। ये वाला अटैक इस वजह से भी बहुत अच्छा है, लास्ट अटैक था हमारा ये और हमें तीन स्टार करने थे। अगर हम तीन स्टार करते तो हम परसेंटेज की बेस के ऊपर विन करते, और इसने जो है थ्री स्टार कर लिए थे। चारों एक्सपर्ट जो थी वो ग्राउंड थी, तो इस वजह से इसने इसके ऊपर जैप लेवल वन अटैक किया। जैप से इसने क्या किया था कि या तो इसको या एक यहाँ से जो स्कैटर शॉट है उसको उड़ाया था। तो देखते हैं इसने स्कैटर शॉट कैसे उड़ाया और फिर उसके बाद ईगल को कैसे लिया।
जब आप बैटल ब्लिम डालोगे तो उस वक्त आपको वार्डन की एबिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी, ताकि ये कि बैटल ब्लिम टाउन हॉल तक पहुंच जाए, रास्ते में ही ना कहीं टूट जाए। क्वीन के ऊपर इसने एक हेड हंटर भी यूज़ किया था ताकि वो स्लो डाउन हो जाए। बाकी थ्री स्टार है। एक अटैक और देख लेते हैं। सिंपल गाय ने अटैक किया था। 1 2 3 4 चारों विजिट आवर तकरीबन एक ही जगह पे मौजूद हैं, इस वजह से इसने यहाँ पे बैट स्पेल्स यूज़ किए। और जो इन्फर्नो थी वो भी जो है वो सिंगल टारगेट थी, इस वजह से यहाँ पे मैंने बैट स्पेल्स यूज़ किए हैं। क्योंकि आपके पास बॉलर्स ज़्यादा थे, इस वजह से आपको एक हिल स्पेल भी रखना पड़ेगा ताकि बॉलर्स ज़रा आगे तक आ जाएं, टाउन हॉल तक पहुंच जाएं। इस वजह से उसने एक हिल स्पेल वहाँ पे यूज़ किया था। और चूंकि ये वाली वॉल तोड़ना ज़रूरी था टाउन हॉल के पास वाली, इसलिए यहाँ पे उसने वार्डन की एबिलिटी यूज़ की है। बैट्स इसने यहाँ से डाली हैं। वैसे भी दो कॉर्नर क्लियर हो चुके थे और बैट्स के पास पूरा एक स्ट्रेट पाथ था यहाँ पे आने के लिए। इजी 3 स्टार। तो ये थे हमारे आज के अटैक्स, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप भी 3 स्टार कर जाओगे। ओके, थैंक यू।